अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं खामोशी से अंदर जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे वजह ये है कि आज मेरी बेटी का एक इवेंट है, उसके बर्थडे का इवेंट है और मेरी हस्बैंड की बर्थडे है। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की बर्थडे इकट्ठी होती है, सो आज मैंने इनके लिए एक सरप्राइज़ इवेंट रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मेरी बेटी के दोनों ड्रेसेस हैं जो कि मैंने इसको चेंज कराना है। सेकेंड और फर्स्ट है जो उसने मेन पहनना है, जिसमें फ़ोटोशूट होना है। सेकेंड मैंने ऑप्शनल रख लिया था। और ये इसका मेन ड्रेस है जो मैं आपको बाहर लाइट में जाके शो कराती हूँ। इधर मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, सो मैंने बस आगे से उसकी लुक दिखा दी और बैक लुक उसकी दिखा दी। सो मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ और मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए, ज़ायबा और उसके पापा सोए हुए हैं और मैं सुबह सुबह रेडी हो जाऊँगी और फिर इसके बाद मैं इन दोनों को उठाऊँगी। हमने जो इवेंट है वो घर में नहीं रखा, घर से बाहर रखा है। और ये मेरा नाश्ता है, पहले नाश्ता करते हैं और फिर ड्रेस देखने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नाश्ता बहुत ज़रूरी है, एनर्जी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी नहीं होगी तो बाकी काम कैसे होगा, फुल डे कैसे गुजरेगा। सो मैंने यहाँ पर जो है वो ब्राउन ब्रेड ली है और शामी कबाब लिए हैं, ठीक है। मैं इसका नाश्ता करूँगी और साथ में ढेर सारा पानी है। मुझे थोड़े या छोटे ग्लास में पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो मैं मग लेती हूँ। यहाँ मैंने मेट को नाश्ता बना दिया था, वो अपना नाश्ता करने जा रही है। ये ज़ायबा की हेल्पर है और इसकी ज़ायबा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होगी। और ये देखिए, मैं लाइट में आके आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। बैक पे टेल है, इस टेल को आप अटैच भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, और इस तरह से है। और अब मैं जल्दी से जा रही हूँ सैलून, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था सैलून में। मैंने अपनी बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई, कुछ भी नहीं, वैसे ही मैं बस तैयारियों में लगी हुई थी और गिफ्ट पैकिंग और सब कुछ इस चीज़ में बिज़ी थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और ये अब मैं चक्कर लगा रही हूँ, सुबह के 9:30 बजे और कोई सैलून ओपन नहीं हुआ वहाँ। और मैं ड्राइवर को घुमाई जा रही हूँ कि मुझे यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। जहाँ पर मैं जाती हूँ वो सैलून तो ओपन नहीं था। सो मुझे एक होम बेस्ड सैलून याद आया जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास है। सो मैंने सोचा कि एक बार वहाँ ट्राई करूँ, होप सो कि मुझे वहाँ पे मिल जाए, पर वो मिल गई थी। और ये पैकिंग है, ये मिठाई के लिए पैकिंग है जिसमें अभी मिठाई फ़िल करनी है मैंने, ठीक है। देखिए क्या टाइम हो गया और मैंने कुछ फ़िल नहीं किया। और बताएं आपको कैसी लगी है ये पैकिंग। और ये है कुछ बच्चों के लिए छोटे से गिफ्ट्स, इनके अंदर क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और ये रहा जी मेन एंट्रेंस, और हॉल बिल्कुल खाली है। और मैंने फ़ोटोशूट कराना है, जिसके लिए मैंने पूरा हॉल चेक करने के लिए आई हूँ कि कैसा है। मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होती अगर मेरी मर्ज़ी का काम ना हो। सो मुझे काफ़ी सारी मिस्टेक्स लग रही थी तो मैंने वो ठीक कराई। अब ये बेलून्स वगैरह नीचे नहीं थे, ये करवाए। और ये देखें, ये ज़ायबा की हरकतें, ज़ायबा आ चुकी हुई है। और यहाँ पर सारे जो सामान है वो सेट हो रहा है। ये देखें जी, फाइनल लुक है बॉक्सेस की, और इनके अंदर मिठाई फिल हुई है। और ये हैं ग्लासेस, इनके अंदर बच्चों के लिए छोटे छोटे खाने की चीज़ें हैं, कुछ ब्रेसलेट हैं, कुछ क्ले हैं, इस तरह की चीज़ें जो बच्चों के अकॉर्डिंग होती हैं। तो ज़ायबा ने बस तबाही करना शुरू की है, लेकिन खैर अब अच्छी बच्ची हो गई है, मेरी बात सुनती है। सो मैंने उसे मना किया तो वो थोड़ा कम कर दिया, उसने एक ग्लास लेके साइड पर बैठ गई है और उसके साथ खेल रही है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली अगर आप उनको डील करेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता गेस्ट आना शुरू हो गए थे। और ये रहा खाना, खाना आ चुका है। क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने गेस्ट को भी रिसीव करना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया। ये गिफ्ट्स हैं और ये हम आ गए हैं घर, और ये हैं हमारे सारे गिफ्ट्स। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाती हूँ कि गिफ्ट्स में क्या मिला है। इवेंट जो है आप अगर प्रॉपर देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, वहाँ पर मैंने फुल डिटेल्ड जो है वो ज़ायबा की सारी पिक्चर, सारा शूट शेयर किया है। फोटोशूट से लेकर ड्रेस, ड्रेस से डेकोर, हर चीज़ मैंने वहाँ पे मेंशन किया, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ग्लो विद ज़ायबा अकाउंट नेम है, सेम अकाउंट है जो यहाँ पर है। और ये सारे इसके ननियाल साइड से हैं, खाला वगैरह ने गिफ्ट दिए हैं। और ये बास्केट मैंने अपने हस्बैंड को दी है, और एक ड्रेस वाली अगर चॉकलेट्स की डिटेल लेना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अच्छा, तो जो गिफ्ट पैक था उसमें से मैं आपको परफ्यूम्स दिखा देती हूँ। और ये सबसे पहला परफ्यूम जो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, और ये है बर्बरी का, बर्बरी टच फॉर मैन।
बहुत ही मज़े की फ्रेग्रेंस है, इतनी प्यारी, लाइक जैसे वो न्यू फर्नीचर और न्यू चीज़ें होती है ना, उनकी प्यारी सी एक फ्रेग्रेंस होती है, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। सो ये मैंने इसलिए बाय किया था क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो न्यू चीज़ों की तरह की आती है और फीलिंग बहुत फ्रेश। और ये है जी ब्लू शनैल, जो कि बहुत ही मज़े का है, बहुत मज़े का। ये स्पेशली मेन के लिए है, ये वही बता सकते हैं कि उनको कैसा लगता है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही। और ये रहा हमारा थर्ड, कोको शनैल, ठीक है। ये वैसे तो मैंने अपने लिए बाय किया था लेकिन ये मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद है तो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। कभी वो कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये बहरहाल मेरी तरफ से उनको गिफ्ट। मैं ना हमेशा एक चीज़ से दो शिकार करती हूँ, उनको वो वाला परफ्यूम देती हूँ जो कि मेरे लिए भी चल जाए। और मुझे वैसे भी जेंट्स वाले बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो थोड़े से डार्क होते हैं। और ये है डेओर जॉय, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है और ये बहुत बहुत खूबसूरत है। ये वैसे ही मैंने शो करा दिया आपको, वो तीन मैंने गिफ्ट दिए थे और ये मेरा, मतलब मैंने अपने लिए खुद लिया था। और हम लोग इतने बेसब्रे हैं, इतने बेसब्रे हैं कि हमने वेट नहीं किया कि हम लोग बॉक्सेस ओपन करते हैं गिफ्ट वाले और आपको दिखाते हैं। हमने सारे खुद ही ओपन कर लिए। मैं बात कर रही थी अपनी बेसब्री की, तो ये देखें हमने गिफ्ट ओपन किए थे और आपको दिखाए नहीं। सो मैंने सोचा कि इसी ब्लॉग में दिखा दूँ क्योंकि अब काफ़ी डेज़ हो गए हैं बर्थडे को, 3-4 डेज़ हो गए हैं, तो आज मैं ब्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और ये रही स्लाइड जो ज़ाहिबा की दादू ने उसे गिफ्ट की है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी, काफ़ी दिनों से उसकी डिमांड थी, शायद मामा शायद ऐसा करके मुझे कह रही थी। सो मैंने सोचा कि इसको स्लाइड दे दें, ये 3 स्ट्रैप्स वाली है और ये आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों के पास होगी भी। सो सेकेंड आया था हमारा ये बाइक, हमारा ये पेंट उतर गया है क्योंकि हमारा पानी का पाइप फटा हुआ है। सो ये देखें, ये इसकी नानों ने इसको गिफ्ट किया था, नानों और खाला ने, ठीक है। और जो कि हमने इसको अच्छा खासा 2 दिन में यूज़ कर लिया है। ये यहाँ पर इसकी चाबी लगाते हैं कि बटन ऑन होता है और फिर इसके बाद इसको यहाँ से घेर देते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका वो स्टॉप करने वाला बटन भी है, ठीक है। खैर ये बाइक था। और ये हमारे कुछ नए गिफ्ट थे, ये भी नानों की तरफ से थे। ये शेप्स हैं, बहुत ही यूज़फुल है बच्चों के लिए, बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा है, लाइक बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और सेकेंड ये भी इसकी नानों की तरफ से था जो बहुत प्यारा गिफ्ट लगा मुझे। ये ओपन हो गया है, ये लाइक इस तरह ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से कुछ होता है। इसके पास पहले भी है था लेकिन वो ऑलमोस्ट उसमें से एक ख़राब हो गया। और ये कुछ जो है ब्लॉग्स थे, ये तो टेबल इसके पास ऑलरेडी पहले। और ये एक स्विमिंग पूल है जो कि अभी तक हमने सेट नहीं किया है। और इसके अलावा बहुत कुछ आया है, लाइक मेरे कपड़े आए हैं, मेरे हस्बैंड के आए हैं, ज़ाइबा के आए हैं, और इसके अलावा जो है वो ज़ाइबा का ड्रेसिंग टेबल आया है, टेडी आया है, बहुत कुछ आया है जो कि मैंने वहाँ पर रख दिया है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, वहाँ से उतारूँ फिर दिखाऊँ। सोच रही हूँ कि नेक्स्ट कभी फिर जब निकालेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा कि मैंने दिखाना है, क्योंकि एज सच मुझे कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये भी बस थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया है। सो फिर कभी निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये ज़ाइबा के कुछ कपड़े थे जो बास्केट में थे, मैंने निकाल के यहाँ पे संभाल लिए हुए हैं। ये है यार, ये इतना खूबसूरत सूट था ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें आप देखें, क्योंकि वो कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा था। ये इतना खूबसूरत सूट और इसके स्लीव्स इतने प्यारे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसे के हैं, ठीक है। और ये इसकी नेकलाइन, ये दूसरे स्लीव, ये बहुत प्यारा मुझे लगा था। और भी बहुत प्यारे प्यारे, एक ये ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये वाला ब्लैक, ठीक है। ये किस तरह से है, कुछ इस तरह से है।
और नहीं ये साइड सही था वो वाला। ये देखिए ये कुछ इस तरह से है, ये हटा देते हैं। बहुत खूबसूरत, ये भी बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। जब पहनेंगे हम लोग फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो फिलहाल हम नहीं पहनेंगे। एक और भी ब्लैक में था, एक ये था, ये बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो हम तो पहनेंगे फिर दिखाएंगे, और भी काफ़ी सारे कपड़े हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता पहन के फिर आपके साथ शेयर करेंगे।